तो उसका एक ही कारण था कि मैं थोड़ा बिजी था एडमिशन कराने के बाद, मतलब एडमिशन के बाद घर उर देख रहे थे। घर मिला, अच्छा मिला, मकान मालिक भी अच्छा है। तो और भी बंदे हैं जो घर के बारे में पूछ रहे थे, सबके लिए एक ही बात है भाई, आराम से कमेंट कर लो। और ये वीडियो बोकारो में बता देते भाई, बोकारो भी अच्छी जगह है, सो उधर के रहने का असुविधा नहीं है। और ऐसे में जगह तुम कमेंट करोगे, पूछोगे, तब मैं सब एकदम क्लियरली फुल डिटेल में रूम के बारे में एकदम वीडियो ले आऊँगा। ये तो बस ऐसा ही पर्पस के लिए बनाया गया था वीडियो है। और आज का वीडियो उतना कुछ नहीं है, अगर मेरा आज का ब्लॉग देखना है तो देख सकते हो, जो टिया गोलू ब्लॉग से उस पर जाकर तुम देख सकते हो। आज का ब्लॉग वहीं पर अपलोड होने वाला है, सो देख सकते हो, यहीं पर उसका मोबाइल है, उसी का मोबाइल में कर रहे हैं। आपको पता ही है, शुरू में बोल दिए, वही बात है, वहाँ जाकर आज का पूरा ब्लॉग देख सकते हो उसके चैनल पर भी, जो आज के डेट पर अपलोड होगा या कल होगा, तो दोनों के दिन में जो भी अपलोड होगा उसमें जान जाइएगा मेरा ही है। सो ऐसे में हम इन्हीं के साथ है, देख सकते हो यहाँ पूरन अंकल है, मतलब एक तरह से मैं बना दूँ कि ये जो है पूरन अंकल, वो मनोज देखे कुछ रिलेटिव में मामा या ऐसे कुछ लगते हैं, चाचा लगते हैं। हम पे तो आई नो। सो टिया गलू ब्लॉग्स भी उनका भाई है, मनोज दे का भाई है। सो अगर तुम लोग उस पर्पज से ले रहे हो कि मैं मनोज दे का हेटर हूँ, तो उस पर्पज से मुझे मतलब भाई, मैं उनका रिलेटेड में मतलब बोल सकते हो, तुम्हें मामा लगेंगे। सो तुम आराम से मुझे उस पर सपोर्ट भी कर सकते हो, और नहीं तो भाई हेड मत करना, क्योंकि मैं गलत कुछ नहीं कर रहा हूँ, अपना मैं मेहनत कर रहा हूँ। और इस इधर से बैकग्राउंड सपोर्ट भी मतलब दे रहे, सब हमको दे ही रहे हैं, कैसे कोई मना नहीं करे। पूरन अंकल अपना वीडियो बना रहे, साथ में हमको मेरा भी सीखना हो जा रहा कुछ। तो मेरा इस चैनल पर एक ही बात है कि मेरा आज का ब्लॉग पूरा लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। और मेरे चैनल पर जो भी नए बंदे हो, प्लीज़ इस वीडियो को थोड़ा सा ज़्यादा सपोर्ट कर दें, इस चैनल को नए बंदे के लिए। और मैं नया नया सीख रहा हूँ, मतलब मुझे आता होता नहीं है, मैं सीखने बैठा हूँ यहाँ पर। तो सीखने के पर्पज से तुम लोग कमेंट करना कि भाई तुम ये गलती कर रहे हो, यहाँ पे ये बोलना है, क्या करना, सब तुम आराम से मुझे बोल सकते हो। कैसा बात नहीं है कि कोई बड़ा यूट्यूबर है, हम नया नया हैं, सीख रहे हैं। मेरा कुछ भी मिलियंस हो गया पर भी मैं छोटा ही रहूँगा तो फिर। सो आराम से सपोर्ट करिए। अगर घमंड आ गया, बोल दिया घमंड कर रहा, तो भाई तुम बोलते कमेंट कर देना, ऐसा कुछ बात हुआ तो। तो आज का वीडियो यहीं तक था, छोटा सा ब्लॉग है, देख सकते हो। सो मैं टिया ग्लू ब्लॉग में भी थोड़ा बता देता हूँ, एक चीज़ मैं इंट्रोडक्शन दे देता हूँ उसमें भी। देखिए यहाँ पूरा नामा यहाँ पर ड्राम खरीद रहे हैं, ड्राम का पहले टेस्टिंग वेस्टिंग कर लिए, फिर अभी रेट का बात हो रहा है, क्योंकि ज़्यादा लग रहा हमको रेट, तो यहाँ पर रेट का बात चल रहा है। ऐसे में तो ज़्यादा बोला जा रहा है कि रेट ज़्यादा है, सो एक बार में बोला जाए तो क्या होता है पता नहीं। और अगल बगल देखते हैं यहाँ भैया लोग हैं, और इधर आगे बात किया था तो यहाँ बुक स्टोर सब आ गए जरिया का। सो यहाँ पर सभी आ रहा जा रहा है अगल बगल, सब पढ़ने वाले बच्चा लोग हैं। देख तो दूसरा ड्राम खोल कर दिखाया गया है यहाँ पर, और ये ड्रम भी दोनों में चूज़ हो रहा है कि कौन अच्छा है कौन नहीं, थोड़ा डेंट वेंट है उसमें, सब चेक उक हो रहा है। मैं जो अपना हिसाब से बोला जाएगा कि उसमें क्या सही है क्या नहीं, तो आप अपना ओपिनियन बताइएगा कि क्या बोलो, ब्लॉग्स आप देखते हो कि नहीं देखते, तो कितना अच्छा पत्ता गिर रहा ऊपर से। बात कर रहे इधर तो हम लोग इधर नोटिस करें, बात करें आगे तरफ देख सकते हो, बुक शॉप है इस साइड, और बुक शॉप के उस साइड में भी आपको अपोजिट डायरेक्शन में फिर बुक शॉप दिखेगा, और अपोजिट का अपोजिट डायरेक्शन में बात करें तो अमित बुक सेंटर दिखेगा। तो हम लोग ठीक बीच में आकर रुके हुए हैं, और ऐसे में देखिए इधर लकड़ी का दुकान है, देख सकते हो। लास्ट में हम लोग ड्राम खरीद लिए, जो ड्राम के मेरा सीट के जस्ट आगे में हो गया, पता नहीं मैं कैसे बैठा हूँ, मैं इधर बैठ गया हूँ। अब पीछे तो देख सकते हो हमेशा हो, यहाँ पर स्कूल दिख रहा होगा आपको, वहाँ पर ऐसा होगा बच्चे देख सकते हो। ये ड्राम 1000 रुपया लिया है, कैसा सब बताइए। तो
आज एकदम अच्छे से बता देते हैं हम क्या कर रहे हैं। हम आए हुए हैं बोकारो, तो बोकारो में मेन तो मेरा आज पूरा ब्लॉग से टिया कुलू ब्लॉग्स में चला गया, तो इधर देख सकते हो उधर ही उसी का मोबाइल है। तो आज पूरा हम पूरन मामा के साथ हैं और उन्हीं का मतलब ब्लॉग बना रहे थे, तो मेरा ही ब्लॉग में देखे फेस आपको दिखेगा। तो आप मेरे ही ब्लॉग को उनके चैनल पे जाके देख सकते हो, क्योंकि मैं उन्हीं का चैनल में अपना ब्लॉग बना रहा था, क्योंकि वो अभी अपना ब्लॉग डालते हैं, मैं भी डालता हूँ, तो मैं उनका बना दे रहा था। सो अगर आप लोग मेरे चैनल को सपोर्ट करते हो तो भाई उनके चैनल से भी मेरे चैनल में आ सकते हो, क्योंकि भाई मैं दोनों तरफ ब्लॉग बना रहा हूँ। सो हमको बोकारो में मिला, सर सच बात बता रहे, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कुटरी बोकारो में। सो अगर इसके विषय पे आपको कोई भी जानकारी चाहिए कि क्या होता है, फर्स्ट सेमेस्टर में क्या पढ़ाई होता है, कुछ भी चाहिए होगा क्योंकि मैं वही पढ़ रहा हूँ, तो आप लोग उससे पूछ सकते हो, क्योंकि आराम से मैं बता सकता हूँ। सो ये मेरे चैनल पर भी अपलोड फ्री में अपलोड हो जाएगा, ऐसे पढ़ाई भी मैं जो भी होता है सिलेबस जो भी मैं फ्री में अपलोड कर दूंगा, ऐसे कोई बात नहीं है कि उसमें कोई लगेगा। आप आराम से मेरे चैनल पे आके वो सब सब विजिट कर सकते हो। और एक नई बात मैं बता देता हूँ, जैसे कि आज बोकारो गए थे, बोकारो कुछ कुछ क्लिप है जो इसमें वीडियो का लास्ट तक मिलेगा, आप पहले मैं ये ऐड करूँगा उसके बाद मैं क्लिप सबको ऐड कर रहा हूँ, तो आराम से आपका वीडियो में मजे लीजिए। बस मेरा बोलने का पर्पज़ यही था कि पॉलिटेक्निक में कोई भी जानकारी उनके चाहिए तो आप मैं इस आराम से मैं आपको दे सकता हूँ, कोई भी हो आप लातेहार धनबाद कहीं से भी हो, अगर आप नए हो आपको जानकारी चाहिए कि भाई बोकारो में कैसे क्या होता है, रहेंगे कहाँ पर, खाएंगे क्या, कितना मेज़ भाड़ा है, क्या चाहिए, सब बता सकते हैं भाई, उधर ही हम रहेंगे तो उधर से आप तुम आराम से पूछ सकते हो।